नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एमपी में विभिन्न विभागों में 11,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें 9,000 टीचर्स के पद भी शामिल हैं। कर्मचारी चयन मंडल ने एग्जाम का कैलेंडर तैयार कर लिया है, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में शिक्षक के 9,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त 2024 में कराने की योजना है। इनमें विषय शिक्षकों के साथ ही खेल और गायन वादन शिक्षक के पद भी शामिल हैं। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषय शिक्षकों की भर्ती और माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं के लिए की जाएगी। इसके साथ ही गायन वादन, नृत्य और खेल शिक्षक की भी भर्ती की जानी है। आपको बता दें, इन पदों में से 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे, अन्य आरक्षण नियमानुसार लागू होगा। परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विषय शिक्षक के पद के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ बीएड या डीएड का डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होना भी जरूरी है। 2018 और 2023 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे।